वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि बच्चे की नेल को कैसे ट्रिम कर सकते हैं। तो अगर आपकी बच्चे न्यूबॉर्न है तो आपको हर हफ्ते में एक बार तो ज़रूर नेल ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे के नेल बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और उससे वो अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चे के नेल को ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको ज़रूरत है कुछ नेल कटिंग टूल्स की। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ सीज़र की। आप नेल कटिंग टूल्स बहुत मार्केट में मिलते हैं, उसके भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो टूल्स यूज़ किया है मैं अपने बच्चे के लिए, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं बच्चे की नेल को कैसे ट्रिम करते हैं। और एक बात, बच्चे की नेल को ट्रिम करने से पहले आपको सीजर को थोड़ी गुनगुने पानी में गर्म कर लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि न्यूबॉर्न बेबी को जॉन्डिस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और इससे हम जॉन्डिस होने के चांस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करके चलिए देखते हैं बच्चे की नेल को कैसे ट्रिम करते हैं। सीजर जिससे मैं बेबी की नेल को ट्रिम करूँगी, मैंने पहले से इसको गुनगुने पानी में थोड़ी देर रखा था, तो इसलिए मैं आप सभी को अभी नहीं दिखा रही हूँ। तो एक और बात कि अगर आपकी बेबी जगी हुई है तो प्लीज़ आप उसकी नेल को मत काट कीजिए। मैं सिर्फ यहाँ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। अगर आपकी बेबी जगी रहे तो आपको बहुत सावधानी से नेल को काट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को उस समय मूवमेंट रहती है, इसलिए उसको हर्ट हो जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो अगर आपकी बेबी सोई हुई है तभी आप उसकी नेल को ट्रिम कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम बेबी की नेल को ट्रिम कर सकते हैं। सबसे पहले आपके बेबी को ऐसे हाथ को पकड़ना पड़ेगा, फिर सीजर को बारीकी से उसकी नेल के ऊपर ले जाके आपको धीरे धीरे ऐसे कट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हर उंगली में आपको ऐसे कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।